स्टेज पे बैठल सब मौजूद साई गुलजार मैसर साहब, साई गुलजार मैसर साहब जिन वाले साहब ए गुलन जड़ा बालड़ा मुझे भेणियों नंढियों नंढा भायर ए वा मैसर जहाँ सब मौजूद दोस्त सभी के अस्सलाम वालेकुम ए वही मेहरबानी है गुलजार मैसर साहब जन की जिन इज्जत दिनी ए प्रोग्राम में मान दई घुरा आजियाण की तकरीर में आजियाणों घट तनकीद घनी कई वही मेहरबानी साईं जन की अज इत सब का एक रिवोल्यूशनरी या उनके अस इनकलाबी गाल चूँ जी महसूस कई वह यहाँ है तो मूँ कद सोच को मैं सरबदा जड़े नंढड़े गोठ में के बालड़ा अड़ा हूँ जे स्टेज ते 500,000 मानू के सामू अड़ी का तकरीर कर सकता मूँ सोच को दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन यो इनकलाब जी के तब्दीली जी के चेंज जी निशानी आ उनकी शुरुआत या शायद शुरुआत कुछ टाइम पहले थी चुकी है ये उनकी इर्तका हले पी खुशी इन गाल जी भी है नंढड़ा गुलन जड़ा बालड़ा एतरे कॉन्फिडेंस से अड़न मौजूअन से तकरीर कर रहा हुआ जिन मौजूअन से असा के शायद गलहाईंदे थोड़ा ख्याल थी तो यार मैं अड़ी गाल न कर वजा लेकिन चूंकि खुशी पी जाए थे लेकिन चूंकि हि प्रोग्राम आए मां केतरो टाइम खैरपुर में आया केतरो ना आया मे भी मतलब बीहर के अचान थे न थे तो कुछ इसलाही गाल मां भी कर वेंदुस साईं जी ताईं तहां तनकीद कई पुलिस से तो मां थोड़ी तनकीद भी क्या असां के असाजे तालीमी निज़ाम में थोड़ी तब्दीली आणी पवंदी असाखे तोते वांगे रटा ना हिनाणा सब का पहरी गाल छो तो अड़ी तालीम जो को फायदो कोने जैमें अगले शागिर्द के तुम समझाया को बाबा तू गल पो उनको मतलब है फॉर इंस्टेंस इतने बहस मुबासा थे बेन टेन टॉपिक्स से माशाला असन अड़ी तकरीर कई जी जिंदगी में बुधी कान पे लेकिन हाँ इन सभी शैर ये तो मतलब स्टेज बालन की ना जो उनते उनके समझी उनके डिटेल्स में वन लेकिन चवण जो मतलब यो तो अस जड़े तरीके से शूँ रटराए कर क्यों था तो अस उन बालन के साइंस जहाँ जो किताब असाजा या पाकिस्तान स्टडीज जहाँ किताब वो समझाएं जी मां चौथे पंजे दर्जे में तकरीर कस मुख्य वह गाल समझ में ही नहीं थी बस टीचर चौदह बा इनके सुबह रटे हाँ करण ये करण से बार जे लकीर जहाँ फकीर पैदा थन्दा उको जी चवंदुस तीं पा कंदा जी सर्कस में छड़ी सा गड जानवर के उथारबो घुमारबो फिराबो ये घुमाबो ये न साइंसी मुशाहिदा करा बहस मुबासा करा गाल समझा रटा घट समझा उन जहन की तरबियत थी तो सही चाहे गलत चाहे जहन की तरबियत थी सोचण से जहन आमादा थी न सिर्फ अखियों बूटे कर जी हिफ्ज़ थी अखियों बूटे कर हिफ्ज़ थे तो कुरान शरीफ की माना की खबर ना है पर हिफ्ज़ थे तो ये ना है करण पान के अगर हिफ्ज़ थे तो उनसे गड माना की भी खबर हो सबक तो पढ़ाऊँ एक बी गाल नंढड़ी पंजी राइटिंग दिखारी खूबसूरत तरीन राइटिंग बेहतरीन राइटिंग लेकिन साईं जन पान चयो थे तो इन जो वाले साहब है वो
मुंह पढ़ायो को मु नंडी का पुछो बा छा कंदो हाणे ची कपड़े जो दुकान था मुझे सुठी गाल है रोजगार करे तो इज्जत सम पंजी रोजी करे तो लेकिन असा तहां सब अगर थोड़ो पंजी सोच के अन्या वसी बनायो त इहो असा जो के न्याण वाणे जे के बेहतरीन तरीके से तकरीर कन थी सुभाणे यूनिवर्सिटी पहचन ये सुभाणे के सुठे कॉलेज में पढ़न ये अठे मां निकली करे वरी सागे घर में न वेहन इन में गुलजार मैसर को किरदार अदा न कदो इन में वदा मैसर या इते जे आसपास जे हर एक गोठ जो हर एक फर्द पंजो किरदार अदा कदो एको मुंजी गुलजार मैसर जी आने स्कूल जे उस्ताद जी जिम्मेवारी ना है जो उनन के यूनिवर्सिटी में पहचाईंदा हनन जो कम है इनन के स्टेप बाय स्टेप थोड़ो इन लायक बनाएं त जिए सुभाणे के न के एंट्री टेस्ट में के न के हद ते पास थिया वधिक कम है इते जे खोसन जो गोठा उन जे खोसे जे वडेरे जो वधिक कम है जो परया संदीलन जो गोठा उनन जो त बस जेके बालड़ा पढ़ी करे अठे ते पढ़या आन तो अठे का पोए अगते ब वनन ये ते जाया न थी वन न त फायदो कोने न छयो ए वरी बी गाल बुधायो त रटायण सा सलाहतूं मरण थियूं सलाहतूं ठहन कोन थियूं समझाइण सा ज़हन जी सलाहियत वधे थी जंहिं शागिर्द जी ज़हन जी सलाहियत वधंदी उहो पंहिंजे वालदेन खे इनडायरेक्टली पाण ई मजबूर कराईंदो पंहिंजे सोच समझ सां त वालदेन मजबूर थी करे यूनिवर्सिटी मोकिली अथसि त यार ही त असांजी सतनि पीढ़ियुनि में को अहिड़ो माण्हू कोन जहिड़ो इहो होशियार थियो आहे त असां तव्हां थोरो पंहिंजो तालीम जो तरीक़ेकार चेंज कयूं ऐं शयूं सम्झायूं रटायूं न ऐं जीअं लिखणियूं पेश थियूं त अगरि लिखारायूं मथां त का अहिड़ी शइ लिखारायूं उन्हनि खां सही तरीक़े सां लिखारायूं त जीअं उन्हनि खे लिखण जी आदत बि पवे ऐं सही ग्रैमर लिखाराईंदासीं त उन्हनि जी ग्रैमर बि उसरंदी सो थोरो सिर्फ़ु असांजे पढ़ाई जे तरीक़ेकार खे बहितर बणाईंदासीं ॿी ॻाल्हि त मां दुआगू आहियां तव्हां सभिनी मुंहिंजे बचड़नि जा त अलाह पाक पंहिंजे प्यारनि जे सदिके तव्हांखे कामयाबु खां कामयाब तर बणाईंदो रही ॻाल्हि अमन मान जी त अलाह जे फज़ल सां काफ़ी जायुनि में सफ़ा पुरमन इलाइक़ा थी विया आहिनि अगरि वॾा मैसर में को अहिड़ो मसलो मसाइल आहे त मां एस एच ओ साहिब खे नफ़री बि ॾींदुसि ऐं जेके बि चोर चकार हितां जा आहिनि उहे हिननि स्कूलनि जे करे अज़ ख़ुदि घटिबा खणी असां फायर हणी करे क़तलु करे विझूं उन सां कोन घटिबा मां गोलियूं हणी करे मंडो टुंडो करे छॾियां उन सां कोन घटिबा घटिबा त तालीम सां घटिबा घटिबा त कलम सां घटिबा को हथियार सां कोन घटिबा भली तालीम ॾींदव वालदेन पंहिंजे औलाद खे पढ़ाईंदा त उहे होटलुनि ते कट ते LCD ते जेका साउथ इंडिया जी मूवी हले थी उन ते कोन धिका खाईंदा उहे कंहिं किताब जे पोयां हूंदा यूनिवर्सिटी जे कढी वेंदा कॉलेज जे कढी वेंदा हिते धिका कोन खाईंदा पढ़ाईंदव चङो त ॾोह बि न कंदा मनशियात जे कढ न पवंदा माहौल पैदा कंदो त जीअं मुंहिंजी अधड़ियूं भेनरियूं जेके बहितरीन तरीक़े सां तकरीर कनि थियूं मूंखे अंदाज़ो आहे त जे पोयां महीननि जी महिनत हूंदी ॾींहुं राति पढ़ियो हूंदो हुनजे पोयां इहो माहौल आहे जंहिंमें घर में बार बार पढ़ंदो ऐं इहो माहौल SSP मीर रोअर खोसो नथो ठाहे सघे इहो माहौल जेको आहे तव्हांजो हर हिकु फ़र्दु हर हिकु शहरी पंहिंजी ज़िमेवारी पाण सम्झे त तॾहिं मां पैदा थींदो बाक़ी उहो पैदा कोन थींदो टाइम जी किलत न त गुलनि जे ॿारा इन्हनि सां कचहरी कंदे इन्हनि सां इन्हनि जा किताब पढ़ंदे इन्हनि जी राइटिंग्स ॾिसंदे मूंखे तमामु ख़ुशी थिए पई ऐं इनशाला वरी जे ज़िंदगीअ हयातीअ ऐं वक़्तु मौक़ो ॾिनो त वरी तव्हां वटि हिते हाज़िर थींदासीं कंहिं ॿिए प्रोग्राम ते त इनशाला वॾी महिरबानी तव्हांजी तव्हां दावत ॾींदी